प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री रामदास ने कहा कि हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने का समय हो चुका है। विभाग के तहत विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति सहित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति माह करने का शासन आदेश किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के तहत पति पत्नी दोनों को पेंशन देने की योजना का भी क्रियान्वयन सरकार कर रही है। वहीं सभी जनपद के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को भोजन के लिए दिए जाने वाले खर्च को बढ़ाकर 150 रूपये कर दिया गया है। अटल आवास योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर 1,30,000 करने के लिए आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्री ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के तहत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविधान से भरने के लिए कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार ने नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके साथ ही मंत्री रामदास ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चल रहे मदरसों ने सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की है। उन मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि 1 माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड से रेसिडेंट एडिटर अग्निश जैन की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक की है समाज कल्याण विभाग की, जनजाति कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की, और हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की हमने धनराशि वृद्धि की है। हमने 1500 रुपये का शासन आदेश किया है।